हरियाणा में जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। बीजेपी की जीत में नायक माने जा रहे हैं नायब सैनी। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। हरियाणा चुनाव में मिली जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया जश्न। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जाति का जहर फैलाने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ की हाई लेवल बैठक। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मां का लिया आशीर्वाद, कहा कांग्रेस का झूठ उजागर हो गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी का बयान। एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत को जेडीयू ने भी बताया ऐतिहासिक। अशोक चौधरी बोले, हरियाणा में बीजेपी की जीत का पूरे देश में असर पड़ेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में चला जादू। हरियाणा की 14 में से 9 और जम्मू कश्मीर की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर मिली जीत। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कुमारी सैलजा ने पार्टी पर उठाए सवाल, कहा नतीजे निराशाजनक, नए सिरे से सोचने की जरूरत। हरियाणा में खराब प्रदर्शन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, कहा जाट समाज को अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में 6 और बीजेपी को 29 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में बहुमत मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला बोले, दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी, झगड़े के लिए हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बीजेपी प्रभारी राम माधव का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया। हरियाणा के रिजल्ट से महाराष्ट्र में हलचल तेज। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से दिए गए किसी भी सीएम फेस पर राजी। सामना के संपादकीय में उद्धव गुट ने हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। इशारों में कांग्रेस को महाराष्ट्र में हरियाणा वाली गलती न दोहराने की नसीहत भी दी। हरियाणा में हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपनी ही पार्टी पर हमला। मार्गरेट अल्वा ने एक्स पर लिखा, खराब रणनीति, झगड़े और झूठे प्रचार ने जीत को हार में बदला। सीरिया के दमिश्क पर इजरायली एयर स्ट्राइक की, हमले को लेकर सीरिया की मीडिया ने बड़े नुकसान का दावा भी किया। इजरायल के सीरिया के दमिश्क में किए गए भीषण हमले में 7 आम लोगों की भी गई जान। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। इजरायल के पेजोर अटैक में घायल हुए हिजबुला के लड़ाके ईरानी मस्जिद में रोते बिलखते आए नजर। ईरान के मीडिया ने जारी किया वीडियो। इजरायल के हमले को लेकर भारत में लेबनान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा विनाश की होड़ में लगे नेतन्याहू हो गए हैं नियंत्रण से बाहर, किसी को उन्हें रोकना होगा। दक्षिण लेबनान में हिजबुला के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर आईडीएफ ने बरसाए बम। हमले में हिजबुला के 50 से ज्यादा लड़ाके ढेर। लेबनान से इजरायल की सीमा में जाने वाली अंडरग्राउंड टनल को आईडीएफ ने ध्वस्त किया। टनल की मदद से ही इजरायल में घुसे थे आतंकी। लेबनान के इजरायल पर जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले जारी। अब तक लेबनान ने इजरायल पर 3,000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजरायल ने नसरल्लाह के वारिस हाशिम सैफी अल दीन को मार गिराने का दावा किया। हिजबुला का मुखिया बनने वाला था सैफी अल दीन। लेबनन के लोगों को इसराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा संदेश, कहा हिजबुला से खुद को मुक्त करवाए लेबनन। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। कई किलोमीटर अंदर तक घुसी इसराइल की सेना, चुन चुनकर हिजबुला के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमले। इसराइल में मौजूद भारतीयों ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। इसराइल में मौजूदा स्थिति को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी ने यूपीएससी एसटी आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ बैठक की। सही पात्रों कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मोहम्मद पैगंबर पर विवादास्पद बयान देने वाले यति नरसिंहानंद के बचाव में उतरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। रविंद्र पुरी ने नरसिंहानंद को कानूनी मदद की भी बात कही। रिजर्व बैंक ने दूसरी तिमाही में रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने WHO का आभार जताया।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी, विरोध में 50 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। दिल्ली पुलिस ने दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी चचेरे भाई को किया गिरफ्तार, हमले में घायल एक भाई की मौत। यूपी की बागपत पुलिस और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ की पोल खुली, दुकानदार को फंसाने के लिए गैंगस्टर ने रखा ड्रग्स, पुलिस ने मारा छापा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके में डीटीसी बस की टक्कर से छात्रा की मौत, गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। दिल्ली से सटे नोएडा में इकोटेक 3 पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी की पहचान शहनवाज के रूप में हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल की नोक पर महिला से गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर आरोपियों ने महिला से मारपीट की। यूपी के अमरोहा में एसिड अटैक से पीड़ित नाबालिग छात्रा की मौत, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में बेटियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भिवाड़ी में एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश पर एडीजे बरेली के घर चोरी का है आरोप। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने अवैध असलहों की तस्करी के आरोप में एक टीचर को किया गिरफ्तार, आरोपी टीचर पर मेरठ से असलहे लाकर सप्लाई करने का आरोप। यूपी के अमेठी विवाद में आरोप। यूपी के आगरा में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला आया सामने, साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खाते से 93,000 रुपए निकाले। यूपी के महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश करते ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया गया, घुसपैठिए से पूछताछ में जुटी पुलिस। देहरादून पुलिस ने दबिश देकर राजस्थान से इनामी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी ने अपनी जगह मुन्ना भाई को एसएससी की परीक्षा देने भेजा था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आदमखोर जंगली जानवर की दहशत, खेत पर काम कर रहे किसान की 1.5 साल की बच्ची को उठा ले गया जानवर। यूपी के अलीगढ़ में आपसी विवाद के बाद दो पक्षों के बीच पथराव, सामने आया पथराव का वीडियो, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे का सामने आया वीडियो, मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रक ई रिक्शे से टकराया, 2 की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में कई जान ले चुके तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, पिछले दिनों एक बच्चे को उठाकर ले गया था आदमखोर तेंदुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डांस करते समय यूट्यूबर की मौत, माता रानी के जश्न करते वक्त आया को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी डंडों में, 7 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मऊगंज में मंदिर से चोरों ने सोने का मुकुट पार किया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के अमरोहा में सिंघाड़े चमकाने के लिए तेजाब छिड़कते एक दुकानदार को लोगों ने पकड़ा, आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में मामूली विवाद पर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। राजस्थान के जोधपुर में पुरानी रंजिश में एक आदमी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में एक लड़के को घर से ले जाकर कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा, पीड़ित के पिता ने थाने में शिकायत कराई दर्ज। एमपी के इंदौर में गर्भवती महिला और उसके परिवार पर जानलेवा हमला, कार में बैठे परिवार पर बदमाशों ने हथियारों से हमला किया। उत्तराखंड के चकराता में तेंदुए ने 7 बकरियों को बनाया अपना निवाला, तेंदुए के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। यूपी के हापुड़ में 2 अलग अलग जगह अजगर मिलने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों अजगर को जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथी ने रिहायशी इलाके में मचाया आतंक, हाथी से जान बचाने के लिए इलाके में भगदड़ मची। यूपी के हाथरस में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी, आग में झुलसने से बाल बाल बचे कई लोग। यूपी के प्रतापगढ़ में चलती बाइक बनी आग का गोला, बाइक सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नीलकंठ ट्रैक पर फंसे ब्राजील और स्पेन के पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो में सजा दुर्गा पंडाल, पानी के नीचे बना दुर्गा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बाढ़ की वजह से कई दर्जन गांव प्रभावित। बिहार के भागलपुर में कई गांव गंगा नदी के पानी में डूबे, गांव में रह रहे लोग पलायन को मजबूर हुए। बिहार के सीतामढ़ी में हजारों घर बाढ़ के पानी में समाये, प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। मेघालय में आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 17 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी से करना नदी का रौद्र रूप, निचले इलाकों में बसी कई बस्तियां पानी में डूबी, प्रशासन की टीमें राहत के काम में जुटी। अमेरिका में विनाशकारी तूफान मिल्टन को लेकर चेतावनी जारी, मेक्सिको को पार कर फ्लोरिडा के खाड़ी तट की ओर बढ़ रहा है तूफान। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज दिल्ली में, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे।
रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा पाकिस्तान का कर्ज, चालू वित्तीय वर्ष के दो महीने में ही 70,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए पर पहुंचा कर्ज। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में लोग शहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, लोगों की हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने की मांग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमकर मारपीट, इमरान की पार्टी पीटीआई विधायकों के बीच चले लाठी से, कई विधायकों के झड़प में कपड़े भी फटे। पाकिस्तान की शहबाज सरकार की इमरान खान की पार्टी को चेतावनी, कहा एससीओ शिखर सम्मेलन तक कोई प्रदर्शन दोहराने की कोशिश न करे।